दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एस ब्लॉक के हाइड्राइड्स की बात करने वाले हैं दोस्तों। कैसे? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब एस ब्लॉक। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसके हाइड्राइड्स की बात करने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स कैसे बनते हैं? अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन विथ फॉर्मेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। मतलब जो अल्कली मेटल से क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2 लिबरेट करते हैं और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं दोस्तों। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द एच एंड CSH, मतलब सीजियम हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा साइज होने की वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली हेल्ड होता है और वो आसानी से दे देता है। क्यों देता है दोस्तों? क्योंकि इट हैज़ द लार्जेस्ट साइज, सो इलेक्ट्रॉन कैन बी ईजिली रिमूव आउट। थर्ड पॉइंट इज लिथियम हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग द अल्कली मेटल। लिथियम हाइड्राइड, क्योंकि दोनों का साइज मैटर करता है, आपको पता होगा दोस्तों, या फिर समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन और लिथियम दोनों का साइज थोड़ा सेम नहीं है, छोटे छोटे है ना। सीजियम और हाइड्रोजन का सेम नहीं है तो हाइड्राइड फटाफट निकल जाएगा, बट लिथियम हाइड्राइड जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होगा, फटाफट रिड्यूसिंग नहीं करेगा, मतलब एच नहीं देगा वो। सो लिथियम हाइड्राइड इज अ मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग द अल्कली मेटल्स, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एंड द स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ऑफकोर्स लिथियम से अगर हम नीचे जाएंगे तो हमको पता है, जैसे मैंने बोला था सीजियम हाइड्राइड उतना स्टेबल नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग है, ठीक है। ड्यू टू द साइज लिथियम हाइड्राइड इज अ लीस्ट आयोनिक एंड द आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो जितने जल्दी क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, आयोनिक बनेगा, बट लिथियम और हाइड्राइड ये दोनों भी नियर अबाउट सेम या छोटे साइज होने की वजह से फटाफट आयोनाइजेशन नहीं होता है, बट वही जो जितना याद रखिएगा दोस्तों, जितना साइज डिफरेंस होगा उतना ही क्या होगा, वो आयोनिक होगा। तो सीजियम कहाँ इतना बड़ा और कहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसके वजह से क्या होगा दोस्तों, इनका जो भी है मतलब कि आयोनाइजेशन वो बढ़ेगा या ज़्यादा होगा। लिथियम फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड व्हाइल सोडियम फॉर्म्स सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम क्या करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाता है, लेकिन सोडियम सिर्फ सोडियम बोरोहाइड्राइड इस तरीके से बनता है दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी अल्कली मेटल्स। नाउ नेक्स्ट द हाइड्राइड्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्राइड, दे फॉर्म MH2 टाइप द हाइड्राइड्स, ऑफकोर्स क्योंकि उनकी वैलेंसी 2 है, आउटर शेल जो S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे। दीज हाइड्राइड्स ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर विथ द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन। मतलब क्या होते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं वो, क्या वाटर में हाइड्रोलाइज होते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। MgH2 इज अ पार्टली कोवेलेंट एंड पार्टली आयोनिक कंपाउंड। MgH2 इज अ थोड़ा सा कोवेलेंट, थोड़ा सा आयोनिक है, वाइल CH2 कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्टियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड आर आयोनिक सॉलिड। साइज बढ़ता जाएगा तो आयोनिक, मतलब जो दो भी एनायन और कैटायन है उनके साइज में जितना डिफरेंस होगा दोस्तों, याद रखिएगा, उतना ही वो क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर उसका होगा या बढ़ते जाएगा। बेरिलियम हाइड्राइड इज अ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड इज लेस स्टेबल देन अदर्स, इट इज कोवेलेंट, ठीक है दोस्तों, वो कोवेलेंट क्योंकि उसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, साइज में ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के, फर्क है बट उतना नहीं, तो क्या होगा, कोवेलेंट नेचर होगा। BH2 एंड MgH2 हैव पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, और ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं BH2 एंड MgH2, क्या करते हैं इस तरीके से पॉलीमरिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों कि हाइड्राइड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जो भी डाउट है कमेंट करके मुझे पूछिएगा, ठीक है। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।